हाय फ्रेंड, आज मैं आपको ये दिखाऊंगा कि जैसे कोई भी बहुत पुराना इंजन यानी ओल्ड इंजन रहता है तो उसको स्टार्ट करने में बहुत दिक्कत होता है, तो इसलिए जो है उसको हम लोग कैसे स्टार्ट करते हैं ये हम आपको इसमें दिखा रहे हैं। ये देखिए, इसका जो इंटेक मैनिफोल्ड होता है, ये जो होज है, इसी में जो है हम लोग लिक्विड को जो है स्प्रे करते हैं और एक साइड से जो है इंजन को हम क्रैंक करके चलते हैं, तब ये इंजन जो है तुरंत स्टार्ट हो जाता है। और लिक्विड में क्या होता है कि अधिकतर हम लोग जो है इसमें पेट्रोल को यूज करते हैं, क्योंकि पेट्रोल का कंप्रेशन रेशियो जो है कम होता है, इसलिए जो है ये तुरंत स्टार्ट हो जाता है। इस तरह से जो है हम लोग अधिकतर जो है, जैसे बहुत पुराना इंजन होता है तो जल्दी स्टार्ट नहीं होता और बैटरी भी डाउन हो जाता है, तो उस केस में जो है हम लोग इसी तरह से जो है इंजन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसे अब हम इसको क्रैंकिंग करेंगे, क्रैंकिंग के समय जो है ये हम इसका स्प्रे करना जो है पेट्रोल का चालू कर देते हैं, जिससे जो है पेट्रोल हो या स्पीड हो, इससे जब स्प्रे करते हैं तो ये तुरंत इंजन स्टार्ट हो जाता है और फिर उसके बाद जो है ये जरूरत पड़ते हुए इंजन जो है कंटिन्यूस चलने लगता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया इसको लाइक सब्सक्राइब, हो सके तो अपने दोस्तों, फ्रेंडों और टेक्नीशियन को भी इसको शेयर करें।